असम में शंकर देव जी ने भी यही बात कही और यहां पे जिस चीज को आप कश्मीरियत कहते हो उसको मैं अपना घर मानता हूं अभी ये कश्मीरियत अभी ये कश्मीरियत है क्या ये जो शिव जी की सोच है एक तरफ और थोड़ी सी गहराई में जाएंगे तो उसको शून्यता कहा जा सकता है अपने आप पर अपने अहंकार पर अपने विचारों पर आक्रमण करना और दूसरी तरफ इस्लाम में जिसको शून्यता यहां कहा जाता है वहां फना कहा जाता है सोच वो ही है इस्लाम में फना का मतलब अपने ऊपर आक्रमण अपनी सोच पर आक्रमण जो हम अपना किला बना देते हैं कि मैं ये हूं मेरे पास ये है मेरे पास ये ज्ञान है मेरे पास ये घर है उसी किले पर आक्रमण करना वही है शून्यता वही है फना और इस धरती पे ये दो जो विचारधाराएं हैं इनका एक बहुत गहरा रिश्ता है और ये सालों से रिश्ता है जिसको हम कश्मीरियत कहते हैं यही सोच बाकी स्टेट्स में भी है गांधी जी वैष्णव जनतों की बात करते थे जिसको हम यहां शून्यता फना कहते हैं उसको गुजरात में वैष्णव जनतों कहा जाता है असम में शंकर देव जी ने भी यही बात कही कर्नाटक से हमारे यहां जो लोग आए हैं वहां बसवा जी ने ये बात कही केरल में नारायण गुरु ने ये बात की महाराष्ट्र ने ज्योतिबा फूले जी ने यह बात की और यहां इसको हम कश्मीरियत कहते हैं लोगों को जोड़ना और दूसरों पर आक्रमण नहीं करना अपने आप पर आक्रमण करना अपनी कमी देखना मैंने आपको कहा कि मेरा परिवार कश्मीर से गंगा की ओर गया था इलाहाबाद संगम के बिल्कुल किराने किनारे वहां पास में हमारा घर है तो जब यहां से वो वहां गए उन्होंने कश्मीरियत की जो सोच थी उसको गंगा में डाला था गंगा में ले गए उस सोच को और उत्तर प्रदेश में उस सोच को फैलाया था जिसको उत्तर प्रदेश में गंगा जमुना तहजीब कहा जाता है